आइए आपको अब सीधे हम लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ मौजूद है डायमंड हार्बर पर। इंद्रजीत इस वक्त मौजूद हैं। इंद्रजीत, अभिषेक बैनर्जी के इलाके में आप मौजूद हैं और आज जितनी सीटें दाव पर लगी हैं, तृणमूल का क्योंकि गढ़ है तो साख पर ज्यादा तृणमूल के लिए चीजें दाव पर लगी हैं। यहाँ पर सीधे सीधे किस तरह का वोटिंग पैटर्न आप अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं डायमंड हार्बर के अलग अलग इलाकों में, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक पश्चिम बंगाल में ये तीसरे चरण के मतदान में 67.24% वोटिंग हो गई है। तीन जिलों में आज 31 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। हम डायमंड हार्बर में है, जैसे कि आपने कहा डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी का लोकसभा क्षेत्र भी है और दक्षिण 24 परगना में आता है। आज दक्षिण 24 परगना जिले में 16 सीट पे मतदान इस वक्त हो रहे हैं। कुल मिला के दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और 2016 में 29 सीटें, 31 में से 29 सीटें तृणमूल के खाते आई थी। आप सोच सकते हैं किस तरह से क्लीन स्वीप तृणमूल ने किया था और यही कारण है कि इसको तृणमूल का घर माना जाता है। आप देख सकते हैं अभी दोपहर का वक्त है इसीलिए भीड़ थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन जो नोटिस करने वाली बात यह है कि मैं सुबह से दिखा रहे हैं कि इस बूथ में भारी तादाद में महिलाएं दिख रही हैं और अभी आप देख सकते हैं पुरुष बिल्कुल नहीं है, सब ज्यादातर महिलाएं हैं जो अभी इस वक्त वोट डालने के लिए आ रही हैं। तो 67% का पोलिंग यहां पे पूरे पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के मतदान में हो चुका है और सुबह से हम लोग देख रहे हैं हर एक जिले में, हावड़ा हो या हुगली या डायमंड हार्बर, महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी भारी तादाद में हो रही है। चलिए हुगली चल लेते हैं। हुगली के आराम बाग में इस वक्त मौजूद हैं अनुपम मिश्रा। अनुपम, आपसे कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए सुजाता मंडल के इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन ओवरऑल हुगली से किस तरह की खबरें आ रही हैं, वोटिंग पैटर्न क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताता हूँ। यहाँ तस्वीरें आप देख सकती हैं, अभी भी यहाँ पर महिलाओं की पुरुषों की दोनों की लाइन लगी हुई है, हालांकि कतारें थोड़ी कम हो चुकी हैं। हुगली में जिस तरह हम देखते हैं कि सुबह से बहुत ज्यादा वोटिंग होती है, आज भी वैसा ही दिखाई दिया। सुबह से महिलाओं पुरुषों की कतारें, लंबी कतारें लगी हुई मिली हुई और अब तक ज्यादातर लोगों ने मतों का प्रयोग कर दिया है, कुछ बचे हुए हैं तो जो किस्मत का फैसला है सुजाता मंडल खान और उधर बीजेपी की ओर से मधुसूदन बाग, दोनों की किस्मत का फैसला लगभग हो चुका है। कुछ और जो समय बाकी है उसमें बहुत ज़्यादा मतदाता अभी नहीं आएंगे क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है उसके मुताबिक अब तक हालांकि जो प्रतिशत है वो नहीं आया है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है 70% के आसपास अब तक वोटिंग हो चुकी होगी। तो और हिंसा की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा की कोई खबर अभी तक नहीं है। जिस तरीके की हिंसा हम पिछले चुनाव में देखते आए हैं, चाहे वो 2019 हो, चाहे 2016 हो या 2011 हो, उस तरह के हिंसा के पैटर्न इस बार बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। आशंका थी कि पहले दूसरे चरण के बाद हिंसा होगी और ये सब जो इलाके हैं, खासतौर पर हुगली, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, हिंसा प्रभावित इलाके हैं, लेकिन यहां पर इस तरह की हिंसा नहीं हुई है, राहत की बात है। मीनाक्षी।